की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत। जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज के साथ। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश संचान को जमानत कोर्ट ने सुनाई है 1 साल की सजा। नोएडा पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी की करेगी मांग। कॉमनवेल्थ गेम 2022 बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीता गोल्ड मेडल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कर्नाटक में 21 दिनों तक 511 किलोमीटर तक करेंगे पदयात्रा। नागपुर में स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त, 16 बच्चे थे सवार, आरोपी चालक हुआ गिरफ्तार। देश में कोरोना के 16,166 नए मामले, संक्रमण दर 6.14%। एशिया कप 2022 के लिए बीसीसीआई आज करेगी टीम इंडिया का चयन। सीएनजी के बढ़ते दामों के विरोध में महाराष्ट्र में रिक्शा पंचायत का चक्का जाम होगा आज। जुलाई 2019 के बाद हुई नीति आयोग की पहली बैठक में बोले मोदी सरकार, खाने के तेलों के दामों पर ब्रेक लगाने का खास होगा प्लान। और बिहार में जदयू और राजद में हो सकता है गठबंधन, राजीव रंजन अब दे रहे हैं बड़ा बयान, फिर होगा सियासी हलचल।